हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात रेशियो में प्रमुटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर रहेगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले मैं 40 नंबर तक का क्वेश्चन प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलिए, और ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आर एस गोराल के बुक से सॉल्व कराता हूँ, वो क्वेश्चन वो बुक पे आप देख सकते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर का क्वेश्चन है, देखें क्या रहा है। यक्ष अनुपाते 6:1, यक्ष समान पाते 5:35 में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 35 ही है, 35 है। तो क्या करते हैं इसके बारे में जान लीजिए। अनुपात माने होता है बटा, समानुपात माने होता है बराबर, और अनुपात माने बटा। इसका मतलब 6/6 हम यक्ष लिख सकते हैं, और ये जो समानुपात का निशान ऐसे जो दिया गया है, समानुपात का निशान जो दिया गया है, इसको हम बराबर लिखेंगे। ये बराबर का निशान है समानुपात, और ये 5/35। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे ऊपर से नीचे काट देते हैं। 5 × 7 = 35, तो ये हो जाएगा 6/x बराबर 1/7। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 × 6 = और यक्ष में 1 = तो यक्ष में 1 = कर देंगे तो यक्ष हो जाएगा, और 6 × 7 = करेंगे तो 6 × 7 = 42 हो जाएगा। तो कह रहा था यक्ष का मान बताइए, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो यक्ष बराबर 45 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या होगा देखें, इसको इस तरह से इसका मानेंगे, ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए बराबर है 6:7:8। ये दिया गया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम मानेंगे अगर हम समय के k का गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा सभी अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए बराबर हम लिख सकते हैं 6:7:8 के। इस तरह से हम मान सकते हैं, के मानना पड़ेगा तो के मान लेते हैं, इसमें के मान लेंगे। अब इसके बराबर हमको के कहीं 6 है, ए प्लस बी बराबर 6 के, बी प्लस सी बराबर 7 के, और सी प्लस ए बराबर 8 के। अब इन सबको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये 2a + b + c हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 × 7 = 15 = 21 के हो जाएगा। इस तरह से आप देखें ये a प्लस बी के मान कितना है 14, तो 2×14 = 21 के, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं 7 × 7 = 14 और 7 × 3 = 21, तो ये हो जाएगा k बराबर 2×2 = 4, 3k = 4, तो k = 4/3, ये हो गया। अब यहां k की वैल्यू हमको निकालनी है, क्या है k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है c की वैल्यू। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां ए बी बराबर कितना है, देखिए यहां पर क्या है, ए बी बराबर 6 के है, देखिए ए बी बराबर 6 के है, तो 2 × ए बी के स्थान पे 6 के लिखेंगे, तो 6k + c
आप यहां देखेंगे इस मान को यहां पर इस मान में अब रखें क्या 6 की, यहां दिया है ए बी बराबर, देखिए यहां पर ए बी बराबर 6 के है तो ए बी के स्थान पर 6 के रख दिया प्लस सी बराबर 2। हमको सी बराबर क्या लाना है, सी की वैल्यू लाना है, तो हम क्या करेंगे अब इसका अंदर गुणा करेंगे 6 दूनी 12 के प्लस 2 सी बराबर 21 के। अब इसको इधर लाएंगे तो 2 सी बराबर 21 के माइनस 12 के, यहां से 2 सी बराबर हो जाएगा 9 की 9 के हो जाएगा, तो सी बराबर हम लिख सकते हैं 9 बटे 2 के। अब यहां से के वैल्यू हम निकालेंगे 4/3, तो यहां से लिख सकते हैं सी बराबर 9/2 गुणे 4/3, 3 3 9 और 2 2 4, तो सी बराबर आ जाएगा 3 2 6, ये हमको निकालना था सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आ गई 6। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 14 24 का चतुर्थानुपाती, इसका मतलब कि 12 अनुपाते 14 समान पाते 24 अनुपाते यक्ष, इस तरह से इसको मानेंगे चतुर्थानुपाते लास्ट में यक्ष, 12 अनुपाते 14 समान पाते 24 अनुपाते यक्ष, इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि यक्ष की वैल्यू निकाल चतुर्था अनुपात तो 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से तो इन दोनों का अनुपात समान पात फिर 24 अनुपात यक्ष, इस तरह से मान लेंगे मानते हैं जब चतुर्था अनुपात निकाल। अब यहां 12/14 24/यक्ष, अब यहां से 12 × 24 इसको ऐसे काट सकते हैं, अब यक्ष बराबर हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 × 28, ये आपका आंसर चतुर्था अनुपाती 28 एक्स आ जाएगा, इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। अगले क्वेश्चन वही प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था सेम उसी तरह से करेंगे, 0.2 अनुपाते 0.12 समान पाते 0.3 अनुपाते एक्स, हमको भी यहाँ भी चतुर्था अनुपात निकालना है तो चतुर्था अनुपात निकाल, अब यहाँ हो जाएगा 0.2/0.12 बराबर 0.3/x, देखिए यहाँ से दशमलव और दशमलव दोनों तरफ से इससे कट जाएगा और यहाँ से 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे 12 3 36 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200x बराबर 12 × 3, तो x बराबर हो जाएगा 12 × 3/200, अब यहां से काटेंगे 100 नीचे हो जाएगा ऊपर ये 6 हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 6 12, तो x बराबर 6 3 18 18/100 हो जाएगा, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 0.18, ये आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू, इस तरह से इसको निकाल लेंगे। 44 नंबर अगले क्वेश्चन पे 45 देखें, इसमें 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तृतीय अनुपाती माने होता है बीच वाली संख्या, तो इसको कैसे लिखें 16 अनुपाते 24 समान पाते फिर 24 लिखिए और समान पाते x, इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। क्या क्या माने ये दो भाग में कर देना है, ये दो भाग में कर देना है, तो ये हो जाएगा 16/24 दो भाग में, दो बार लिख दीजिए और बीच में समान पाते रहे जब तृतीय निकालना है क्योंकि एक ही 24 बराबर 24/x, तो x का 16 में गुणा करेंगे तो 16x और 24 × 24 x बराबर 24 × 24/16, अब इसको काटेंगे दो से किसे कटेगा 4 4 6 16 और 4 6 24 4 6 24, तो x बराबर आ जाएगा 6 × 6 x बराबर 36 x बराबर 36 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तृतीय वाला आ गया होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्य वाला चतुर्थानुपाती तृतीय अनुपाती अब मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, 6 अनुपाते x समान पाते x
आदिल चौहान। इस तरह से इसको लिखेंगे, बीच में x x लिख देंगे, तो x बटे 6 बटे x बराबर x बटे 54। तो x बराबर x, x का x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 गुणे 54। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 गुणे 54, इधर स्क्वायर है इधर लाएंगे कर्णी हो जाएगा 6 9 54। इसको लिख सकते हैं कितना, 6 गुणे 6 9 54 ये हो जाएगा। तब इसको कांडी से बाहर निकालेंगे तो 6 6 36 होता है, 36 गुणे 9। तो इसको बाहर 36 का वर्ग निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 9 का वर्ग निकालेंगे 3 हो जाएगा, तो 6 3 18 ये आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा 18 तृतीय अनुपात निकल आया। इस तरह से इसको निकाल, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको सरल तरीके में क्या सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं कारणी में 0.02 और गुणे 0.32, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसका गुणा कर लेंगे तो x बराबर लिख सकते हैं 0.0064, क्योंकि दो अंक के बाद लगा हुआ दशमलव, इसमें भी दो अंक है तो दूनी 4, तो 4 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। अब यहां से देख सकते हैं x बराबर, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ऐसे करके 64 बटे 1 2 3 4। तो इसको निकालेंगे 8 64 का 8 हो जाएगा और 10,000 का हो जाएगा 100। तो इसको लिख सकते हैं 0.08, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। यही चीज कैसे किया था, 0.02 अनुपाते x समान पाते x अनुपाते 0.32 ये हो जाएगा। तो देखें यहां भी 0.02 बटे x हो जाएगा, यहां x बटे 0.32 हो जाएगा। तो x x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आपस में गुणा कर लेंगे तो 0.02 गुणे 0.32 ये हो गया। अब x को हटाएंगे तो आपको x स्क्वायर को हटाएं तो इधर कर दिए 0.02 और गुणे 0.32। तो यही चीज इस शॉर्टकट में क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे और कर्णी इसके ऊपर लगा देंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। कुल मिला के इसका वर्गमूल निकालना है, बस क्या है वर्गमूल निकालना रहता है, इसका क्या है वर्गमूल निकालना रहता है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इस 47 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुए हैं और 48 अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।